अजीज़ तुल्बा तालिबा सरअब्दत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तबाल है नाइन्थ उर्दू ये छठी नज़म है एकता की आवाज़ जिसे बेकल उत्साही ने तहरीर किया है इसके सवाल के जवाब और तो सरगर्मियों के साथ हाज़िर हुए हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल खाफिए लिखिए सलाम बात गाव, निखार, नजम से कौमी यकजहती और इतिहाद का दर्ज देने वाला शेर तलाश करके लिखिए भुला दो फ़िर परस्ती की दास्तानों को इस मसरे की वजाहत कीजिए नज़म में शायर ने जो पैगाम दिया है उसे अपने अल्फ़ाज़ में लिखिए पहले का जवाब है सलाम एहतमाम बात हयात गाओ चमकाओ नखार एतबार भुला दो फ़र परस्ती की दास्तानों को मिटा दो बढ़ के तसब भरे जहानों को ये दूसरे का जवाब है अगले तीसरे का जवाब है आज़ादी के बाद से अब तक बरपा होने वाले फ़रक़ा वाराना फसाद हमारी फ़िर परस्ताना जहनीत का बैन सबूत है हमारी फ़िरक़ा परस्ती की दास्तान बेहद तवील है चूँकि हमारा मुल्क मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोगों ज़बानों और मज़ाहिब का मुल्क है इसलिए यहाँ आए दिन फिरखावारियत की आग को हवा दी जाती है और ये काम हमारे अरबाब इकतदार और सियासत करते हैं दरअसल ये अंग्रेज़ों का तर्ज अमल था वो लोगों में बाहवी मुनाफरत फैला कर इन्हें लड़ाते थे और हुकूमत करते थे इनके लिए हुकूमत करने का एक कामयाब तरीक़ा था इसी तर्ज अमल को अपना कर हमारे अपने सियासतदान भी तारीख़ को दोहरा रहे हैं ये तरीक़ार चंद सियासी और गैर सियासी जमातों के लिए कारमद हो सकता है मगर आवाम के लिए और मुल्क की तरक् खुशहाली के लिए इंतहा नुकसानदा है इसलिए शायर कहता है कि हमें फिरखा परस्ती की दास्तानों को भुला कर इतफाक़ व इतहाद क़ायम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की और खुशहाली की दौड़ में किसी से पीछे न रहे तीसरे का जवाब है शायर ने इस नज़म में ये पैगाम दिया है कि अगर तुम मुल्क की खुशहाली तरक्की खुशहाली और सालमियत चाहते हो तो खलूस व मोहब्बत अमन सुकून और बाहमी मेलजोल मेल जोल के साथ रहना सीखो और मुल्क वोम की अज़मत के लिए तब और फ़िरका परस्ती से दूर रहो अगला सवाल है सही मुतबाद का इंतखब कीजिए नज्म में शायर ने चलो बनो को इन अलफाज का इस्तेमाल किया है इन्हें हम खाफिया कहते हैं जवाब डायरेक्टली दिया हुआ है शेर की तशरी कीजिए खदम के साथ अगर दिल मले दिल मिले तो बात बने जहाँ भी चाहो वही मंजिल हयात बने अगले सवाल का जवाब है अगर हम ये शेर की तशरी है अगर हम ज़ाहरी तौर पर ख़दम मिला के चलेंगे मगर बातिन एक दूसरे के कई कदूरत और नफ़रत से मामूर हो तो इस तरह ख़दम मिला के चलने का कोई फ़ायदा नहीं है बात तो इस वक्त बनेगी जब हमारे दिल भी मिले हुए हों दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और यगानगत का जज्बा हो एक दूसरे के जज्बात का एहतराम हो अगर ऐसा हो तो हम जहाँ चाहें वहीं मंजिल हयात बना सकते हैं यानी हर वो जगह हमारे लिए मंजिल हयात हो सकती है जहां अमन वाशती और इतिहाद इतफ़ा का माहौल हो मतलक़ा अल्फाज की जोड़ियां लगाइए अंजमन, अज़म जश्न कारवां खाफला, अंजमन, मजलिस अजम, इरादा जश्न ख़ुशी की महफ़िल हुसन, खुशनुमाई दिए हुए बयान से मुतल शेर लिखिए हमेशा मुल्क के इतहाद सालमियत की बात करो वतन का एहतराम करो आपस की फिरबंदी और को ख़त्म करो ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि हर एक फ़र्द तुम पर यकीन करे तुम मुल्क और कौम की इज़्ज़त और वखार बनो जुनूबी हिंदुस्तान की चार जबानों के नाम लिखिए पहला पहले के लिए शेर है कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अजमत खामो वतन को चमकाओ भुला दो फिरखा परस्ती की दास्तानों को मिटा दो बढ़ के तासुब भरे जहानों को वतन की लाज बनो खौम का निखार बनो हर एक दिल के लिए हुसन एतबार बनो इस चौकोन में दर्ज झैल लफ्ज़ों के हम खाफी अल्फाज तलाश कीजिए बया और बदन जो चार जुनूबी भारत की ज़बानें हैं तमिल तेलगु कन्नड़ मलयालम इसके अलावा तुलु मराठी और दूसरी भी ज़बानें हैं लेकिन ये अहम ज़माने हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम बियाबानी निगेहबानी बदन वतन